राजधानी भोपाल के बैरसिया रोड देवी नगर श्री दुर्गा मंदिर में संगीतमय श्री शिव महापुराण की कथा चल रही है। कथावाचक पंडित सुशील महाराज के मुखारविंद से कथा का रसपान कराया जा रहा है। कथा के दौरान महाराज ने श्री शिव महापुराण में मौजूद प्रमाण के आधार पर बताया कि प्रणव मंत्र ओम से ही नमः शिवाय मंत्र की उत्पत्ति हुई है। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र कामण की उत्पत्ति हुई है, जिसे सुनकर श्रोतागण भाव विभोर हुए। मास में राजधानी में भक्ति की गंगा बह रही है। बैरसिया रोड देवकी नगर श्री दुर्गा मंदिर में श्री शिव महापुराण की कथा चल रही है। इस दौरान कथावाचक पंडित सुशील महाराज ने बताया कि प्रणव मंत्र ओम से ही नमः शिवाय मंत्र की उत्पत्ति हुई है। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र कांवड़ की उत्पत्ति हुई है। इसी से शिरो मंत्र और चार मुखों से गायत्री का प्रकट हुआ। गायत्री से वेद और वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से विभिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, लेकिन इस प्रणव मंत्र ओम से एवं पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रणवाक्षर मंत्र की दीक्षा ब्रह्मा और विष्णु भगवान ने आदि शिव से प्राप्त की थी। ब्रह्मा और विष्णु अपने आप को सामर्थ्यवान बनाने के लिए निरंतर इस प्रणव मंत्र का ही जाप करते रहे, जिससे सुनकर श्रोतागण भाव विभोर हो गए। कथा भागवत लाइन मुझे सुशील महाराज के नाम से सभी लोग जानते हैं। ये जो यहाँ पर शिवपुराण कथा हो रही है, ये पारायण की संख्या में हमारा 82 नंबर का कार्यक्रम है। इससे पहले 81 कार्यक्रम हमारे संपादित हो चुके हैं। आज कौन सा दिन था? आज हमारी जो कथा थी, इसमें हमने श्रोताओं को ये बताया है कि शिव पुराण में, शिव पुराण के आधार पर ओम जो है ये स्तंभ लिंग में उस समय धुन गूंजी थी और बाद में स्तंभ लिंग में छप गया था। जब ब्रह्मा विष्णु की लड़ाई हुई थी तो शंकर जी स्तंभ लिंग के रूप में वहां प्रकट हुए। तो इन मूल मंत्र इनका शिव का जो है ये ओम है। फिर ओम से जो है नमः शिवाय उत्पन्न हुआ। फिर नमः शिवाय से शिरो मंत्र पैदा हुए। फिर उससे शिरो मंत्र और चार मुख से ये गायत्री पैदा हुई। इससे फिर जो है वेद पैदा किया गायत्री ने। वेद से करोड़ों मंत्र हुए। लेकिन वो करोड़ों मंत्र जो है कार्य सिद्धि दे सकते हैं, लेकिन इस येलोक और परलोक मतलब भोग और मोक्ष दोनों के देने की ताकत केवल ओम नमो शिवाय में पंचाक्षर मंत्र है। ओम किसके लिए है? ये निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए ओम को यूज किया जाता है। ओम की दीक्षा जो है ब्रह्मा और विष्णु जी ने आदि शिव उनसे ली थी। आदि शक्ति शिव से दीक्षा ली थी। निश्चित रूप से नरेला विधानसभा शहीद भगत सिंह मंडल वार्ड 77 में भगवान भोले शंकर की ये कथा श्रद्धालुओं को धर्म के प्रति जागृत करने के लिए आदरणीय पंडित सुशील महाराज जी द्वारा शिव पुराण महाकथा का आयोजन या उनके मुखार बिंदु से आम जनता को, आम नागरिकों को, आम धर्म प्रेमी बंधुओं को कथा का श्रवण कराया जा रहा है। निश्चित रूप से सारी महिलाएं, क्षेत्र के सारे लोग आदरणीय सुशील महाराज जी के बहुत बहुत आभारी हैं। ये कथा 7 दिन की कथा है, आज तीसरे दिन में प्रवेश करा। महाराज जी ने पूर्ण रूप से शिव जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ब्रह्मा विष्णु जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस बारे में पूरा विचार विमर्श करके पूरे प्रमाणित करने के साथ ओम क्या है, ओम कहाँ से पैदा हुआ, ओम के माध्यम से क्या क्या हासिल हो सकता है, सृष्टि जो बनी है कैसे बनी है, ये सारी बातें आदरणीय सुशील महाराज जी ने बताई। महाराज ने कहा कि शिव पुराण में बताए गए भोले शिव के इस मूल मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर जिस भी मनोरथ को मांगोगे वो पूर्ण होगा। वहीं श्रावण माह के चलते कथा शुभारंभ के पूर्व पंडित लोचन शास्त्री के द्वारा सामूहिक रूप से सभी श्रद्धालुओं ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन विधि विधान से किया। श्री शिव महापुराण पुस्तक की पूजा श्याम सुंदर शर्मा के द्वारा की गई। प्रकाश यदुवंशी द्वारा शिव महापुराण की आरती उतारी गई। EMT News भोपाल।